मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को भी पांडा अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि पांडा की बच्चों की तरह हरकतें और उसका गोलमटोल शरीर उसको और भी मजेदार बना देता है। और आप में से कुछ लोग जानते होंगे और कुछ नहीं भी कि पांडा को पेड़ों पर चढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो पेड़ों पर चढ़ना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पेड़ों पर चढ़कर उनसे गिरना चाहते हैं। जी हाँ, उनको पेड़ों के ऊपर से नीचे गिरना बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी बीच सवाल यह आता है कि जब पांडा पेड़ों से या फिर ऊंची जगह से खुद ही गिरते हैं तो उन्हें चोट क्यों नहीं लगती है? देखिए, जब पांडा ऊपर से गिरते हैं तो सबसे पहले उन्हें बचाता है उनका गोलमटोल शरीर, और ऊपर से इनके हाथ पैर भी छोटे होते हैं जिससे कि इनको गिरने पर ना के बराबर लगती है। और सबसे बड़ी बात जो कि उनके सिर पर चढ़ा इतना मोटा चमड़ा जो कि फैट होता है, यही सब पांडा को चोट से बचाते हैं और वो जानबूझकर पेड़ों से नीचे गिरते हैं। वैसे आप में से कौन कौन पेड़ से नीचे गिरा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।